दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, बहुत लोगों को डाउट होता है कि जो मेरी ओवरलॉक मशीन है वो किसी और कंपनी की है, तो हो सकता है कि शायद उसका जो सुई का टाका हो या फिर लूपर का टाका हो, छोटा बड़ा करने का सिस्टम कुछ और होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे किसी भी कंपनी की ओवरलॉक मशीन क्यों ना हो, चाहे वो जुकी कंपनी का ओवरलॉक मशीन हो, जैक कंपनी का ओवरलॉक मशीन हो, या यामाटो जितने भी कंपनियाँ होती हैं ओवरलॉक मशीनों की, किसी भी कंपनी की ओवरलॉक मशीन क्यों ना हो, सारी ओवरलॉक मशीनों का जो सुई का टाका होता है और लूपर का टाका होता है उसको सेट करने का एक ही सिस्टम होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को आप पूरा देखें, और आपने हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। सबसे पहले आप ओवरलॉक मशीन की सिलाई के बारे में समझ लीजिए, इससे आपको वीडियो में आगे चल के समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओवरलॉक मशीन की सिलाई देखिए कुछ इस तरह से होती है। जो ये वाली सिलाई आपको दिखाई दे रही है, ये सिलाई हमारी ओवरलॉक मशीन के नीडल की यानी सुई की है, और जो ये वाली सिलाई है, ये सिलाई हमारी ओवरलॉक मशीन के लूपड़ की है। देखिए लूपड़, इसको लूपड़ बोलते हैं हम, ठीक है, इसको हम लूपड़ बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसकी सिलाई है वो ये वाली है, ठीक है, और जो ये वाली सिलाई है ये हमारी ओवरलॉक मशीन की नीडल यानी सुई की है। तो सबसे पहले हम ओवरलॉक मशीन के सुई की सिलाई के टाके को छोटा बड़ा करना जानेंगे, उसके बाद हम फिर ओवरलॉक मशीन के लूपर के टाके को छोटा बड़ा करना जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ओवरलॉक मशीन के सुई के टाके को छोटा बड़ा कैसे सेट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओवरलॉक मशीन के सुई का टाका छोटा बड़ा करने के लिए देखिए, ओवरलॉक मशीन के साइड में जो चक्का होता है, इस चक्के से ही हम ओवरलॉक मशीन के सुई का टाका छोटा बड़ा सेट करते हैं। ये देखिए चक्के पर नंबर लिखा रहता है, देखिए एक नंबर, दो नंबर, ये देखिए तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, सात नंबर, ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये सारे नंबर ओवरलॉक मशीन के सुई के टाके के नंबर होते हैं। जो एक नंबर होता है वो सबसे छोटा टाका होता है, और जो सात नंबर होता है वो सबसे बड़ा टाका होता है सुई का, ठीक है। और देखिए चक्के के पास में ही बिल्कुल यहाँ पर निशान दिया रहता है, किसी किसी ओवरलॉक मशीन में निशान यहाँ पे, फिर यहाँ पे कहीं भी दिया रहता है, तो आपको देख लेना है आपको ओवरलॉक मशीन में कहाँ पे निशान दिया हुआ है। इस निशान के सामने जब आप टाका सेट करेंगे तो निशान के सामने जितना नंबर ला के ऐसे रोकेंगे उतने नंबर का टाका सेट हो जाएगा। लेकिन टाका सेट करने से पहले आपको एक लॉक तोड़ना होता है, जो इस चक्के में लॉक लगा रहता है उसको तोड़ेंगे तभी जाके आप यहाँ से सुई का टाका छोटा बड़ा सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लॉक तोड़ेंगे और कैसे टाका को सेट करेंगे। ओवरलॉक मशीन के इस ढक्कन के यानी कवर के अंदर एक बटन दिया रहता है, जिसको हम प्रेस करके दबा के लॉक को तोड़ते हैं और फिर इस सुई के टाके को छोटा बड़ा सेट करते हैं। तो चलिए सेट करते हैं। सबसे पहले इस कवर को हम खोलेंगे। कवर को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक हुक दिया रहता है, इस हुक को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर इस ढक्कन को, कवर को ऐसे खोल लेना है, ठीक है। जब कवर को खोलेंगे तो आपको ओवरलॉक मशीन के फ्रंट में यहीं पर देखिए एक बटन दिखाई देगा। किसी किसी ओवरलॉक मशीन के जो ये वाला पार्ट है इसके पीछे देखिए यहाँ पे बटन दिया रहता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ओवरलॉक मशीनों में फ्रंट में ही बटन दिया रहता है लॉक तोड़ने के लिए। तो देखिए कैसे सेट करते हैं। देखिए सुई का टाका बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको लॉक को तोड़ना होगा। लॉक तोड़ने के लिए इस बटन को ज़ोर से आपको दबा कर रखना है, ठीक है, इस बटन को ज़ोर से दबा कर रखना है। जब तक आपका टाका सेट नहीं होता तब तक इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको बटन को दबा कर रखना है जब तक कि आपका टाका सेट नहीं होता। इस बटन को प्रेस करके रखना है ज़ोर से, और फिर उसके बाद चक्के को, इस चक्के को आपको घुमाते रहना है। बहुत लोग कहते हैं अगर टाका बड़ा करना है तो चक्के को ऊपर की तरफ घुमाना है, और टाका छोटा करना है तो चक्के को नीचे की तरफ घुमाना है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपका लॉक नहीं टूटा होगा तो आपका चक्का पूरा ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, कहीं रुकेगा नहीं। और लॉक टूट जाएगा तो जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये निशान के सामने मान लीजिए एक नंबर आ गया, ठीक है, तो ये कितना भी इसको नीचे की तरफ करेंगे तो एक नंबर से ये कम नहीं होगा, और ऊपर की तरफ करेंगे तो निशान के सामने अगर सात नंबर आ गया तो आप इसको कितना भी चक्के को घुमाएंगे ये सात नंबर से ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि लॉक टूट गया है। लॉक टूटने के बाद ये चक्का एक नंबर से लेके, देखिए इस निशान से अगर निशान के सामने एक नंबर आ गया तो एक नंबर से लेके जो सात नंबर है बस इतने ही बीच में ऊपर नीचे जितना भी घुमाएंगे घूमेगा, इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा ना, इससे कम घूमेगा। ये देख लीजिए मैंने बटन को दबा कर रखा है पूरा ज़ोर से, ठीक है, इस चक्के को घुमा रहा हूँ, ये देखिए लॉक टूट गया। लॉक टूटने के बाद अब इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए सात नंबर पे आ गया ना, निशान के सामने सात नंबर पे। अब इसको मैं कितना भी जोर लगा के इसको घुमाऊंगा ये नहीं घूमेगा, सात नंबर से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉक टूट गया है। ये सिर्फ जितना नंबर का टाका होता है लास्ट वहाँ तक जाएगा, और जितना कम होता है टाका, जो सबसे कम टाका होता है
बस वहाँ तक जाएगा, इसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो आपको देख लेना है कि कितने नंबर का टाका सेट करना है। एक नंबर सबसे छोटा टाका होता है और सात नंबर सबसे बड़ा टाका होता है, ठीक है। तो आपको देख लेना है कितने नंबर का टाका सेट करना है, उतने पे देखिए जो निशान दिखाई दे रहा है उतने पे नंबर को ऐसे ला के रोक के इस चक्के को छोड़ देना है, और जो आपने बटन प्रेस किया है उसको भी छोड़ देना है। बस हो गया सुई का टाका सेट, ऐसे ही सुई का टाका सेट करते हैं। अब बात करते हैं जो लूपर का टाका है ये वाला, इस लूपर का टाका को छोटा बड़ा कैसे करते हैं। देखिए इसको छोटा बड़ा करने के लिए ये देखिए आपके मशीन के इस साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया रहता है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, ये सारे नंबर लूपर के टाके का नंबर होता है। कुछ लोग लूपर की चाल भी बोलते हैं। जो एक नंबर होता है लूपर का सबसे छोटा टाका होता है, और जो पाँच नंबर होता है वो लूपर का सबसे बड़ा टाका होता है। अगर मान लीजिए आपको लूपर के टाके को बड़ा करना है तो ठीक है, बड़ा करने के लिए जो ये नट है इस नट को आपको लूज करना है, हल्का सा ऐसे देखिए पेचकस से लूज करना है, ठीक है। और लूज करने के बाद ये देखिए जो ये वाला कुंडा को दिखाई दे रहा है यहाँ पर निशान दिया हुआ है, इस निशान को आपको नंबर पर सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पाँच नंबर का टाका सेट करना है लूपर का, तो इस वाले निशान को पाँच नंबर पर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे प्रेस करके पाँच नंबर पर लेके आएंगे, और पाँच नंबर पर लाने के बाद इस नट को ऐसे टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लूपर का चाल है यानी लूपर का जो टाका है वो बड़ा हो जाएगा, सबसे पाँच नंबर पर सबसे बड़ा हो जाएगा। और मान लीजिए आपको लूपर के चाल यानी लूपर के टाके को छोटा करना है तो उसके लिए भी आपको इस नट को लूज करना है हल्का सा, ठीक है। देखिए ऐसे नट को लूज कर लेंगे, और लूज करने के बाद जो ये निशान है इस निशान को आपको जितने नंबर का टाका रखना है उस हिसाब से इस निशान को उसके नंबर के सामने ला के ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें दो नंबर पर करना है तो दो नंबर पर इस निशान को दो नंबर के सामने ला के रख लेंगे, रोक लेंगे, और फिर इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने लूपर के टाके को सेट कर सकते हैं, यानी लूपर की चाल को ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं। यही तरीका है जिससे आप किसी भी ओवरलॉक मशीन के सुई के टाके को और इसके लूपर के टाके को इसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने ओवरलॉक मशीन के सुई के टाके को छोटा बड़ा करें तो सुई के टाके के हिसाब से अपने ओवरलॉक मशीन के लूपर के टाके को भी सेट करें, ठीक है। नहीं तो आपकी जो सिलाई है वो सिलाई सही नहीं आएगी, जो जाली बनती है वो जाली सही नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपने ओवरलॉक मशीन के सुई के टाके को छोटा बड़ा करें तो उसके हिसाब से जो लूपर का टाका है इसको भी आप सेट करें। इस वीडियो को शेयर करके सही जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाइए हमारे चैनल पर, और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, देखिए और आनंद लीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।